बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में एक दूसरी प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी एक विमीय सरल आवर्ती दोलक की समस्या को, की प्रॉब्लम को, यानी इसकी आइगन मान और आइगन वैल्यू को निकालना चाहते हैं। क्लियर? चूंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आप सबसे सिंपल भी है और सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, यानी एम द्रव्यमान का कोई भी पिंड, एक पत्थर पिंड कोई भी डोरी से धागे से बंधा हुआ है और अपने माध्यवस्था के लेफ्ट राइट क्या कर रहा है वो दोलन, ऐसे दोलनों को क्या बोलते हैं अपन, सरल आवर्ती दोलन, और ऐसे दोलकों को क्या बोलते हैं, सरल आवर्ती दोलक। और इसका समीप में कोई माध्यवस्था से विस्थापन मान एक्स है, उसका प्रत्यानयन बल जो माइनस के एक्स होता है, वही प्रत्यानयन बल इसको माध्यवस्था की ओर लेके जाता है और उसको दूसरी तरफ निकल जाता है, वो फिर उस पर गति की दिशा के विपरीत प्रत्यानयन बल लगता है और उसको यही प्रत्यानयन बल क्या कराता है, इसको माध्यवस्था के दोनों ओर गति करवाता है। तो सरल आवर्ती दोलक पर लगने वाला किसी विस्थापन, किसी स्थिति एक्स पर लगने वाला प्रत्यानयन जो बल होता है, दैट इज व्हाट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ को रखोगे एम डी टू डी एक्स डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स डी टू, इसको के बटे एम करोगे, दिस इज सपोज ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के बटे एम, और के बराबर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसका इस सरल आवर्ती दोलक की जो स्थिति ऊर्जा है वो वी एक्स बराबर क्या लिखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर। के का मान क्या हो गया, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और वी और एक्स में जब ग्राफ खींचते हैं तो आपको पता है पैराबोलिक ग्राफ आएगा ऐसा, और इस तरीके का ये ग्राफ है, और एक वी का मान यानी प्लस ए और माइनस ए पर इस तरीके से यू बना सकते हो। ये स्थिति ऊर्जा होती है जिसको अपन जानते हैं क्लासिकली, और ये उसका ये सारे समीकरण, इन सब चीज़ों को बहुत पहले से ही अपन जब पढ़ रहे होते हैं तब जानते हैं। अब यहाँ पर जो काम करना है अपने को आगे बढ़ने के लिए, वो सबसे पहले श्रोडिंगर समीकरण लिखना चाहते हैं कि सरल आवर्ती दोलक की इस गति के लिए, एम द्रव्यमान के जो दोलक है उसकी गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगा। और श्रोडिंगर समीकरण में मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई हुई है काफ़ी दिनों से कि ये चीज़ आपको कंठस्थ होनी चाहिए, श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ई क्या है कुल ऊर्जा और वी क्या है स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पर अपने स्थिति ऊर्जा का मान रखने जा रहे हैं, वी का मान क्या है यहाँ रखेंगे और उसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अब आप ये चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपने v का मान लिख दिया, ये v का मान ये आ गया, ये v का मान कौन सा है, ये v का मान ये वाला है, ये रख दिया। अब आपने 2m अपने एच स्क्वायर का e में गुणा कर दिया अंदर, यहाँ भी गुणा कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ लेके चल रहे हैं, चूँकि इसको सरल करेंगे, सरल करने को इसको अपने एक विशेष स्थिति में लाएंगे और उसके हिसाब से, तो आप चीज़ ध्यान रखें। तो जैसे y बराबर अल्फा x आप लोगे, अल्फा कोई भी कॉन्स्टेंट है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपन अल्फा। क्लियर? तो y अपन अल्फा को आप यहाँ रख दो, y अपन अल्फा, वाई स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, ये यहाँ आ गया, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं, वाई अपॉन अल्फा, वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और कहाँ यहाँ पर, यहाँ भी यूज, वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने साथ में क्या किया, टू अपन एच स्क्वायर गुणा कर दिया इसमें यहाँ और यहाँ। क्लियर? अब अल्फा, ये जो अल्फा स्क्वायर का आपने भाग लगा दिया यहाँ पर, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ आ गया और अल्फा फोर हो गया, ये यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर को अपने एक राशि मान के चलते हैं, अल्फा बराबर क्या मानते हैं ये देख रहे हो, अल्फा बराबर क्या माना है, एम एम ओमेगा नॉट अपन एच स्क्वायर का रूट, ये एक राशि अपनी तरफ से ले रहे हैं अल्फा का मान, इस अल्फा के मान को यहाँ रख दिए। देखो आप,
ये अल्फा स्क्वायर का तो वर्ग हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एम ओमेगा अपन एच स्क्वायर, यहाँ से भी आप देख रहे हो कि रूट हट जाएगा, एम स्क्वायर ओमेगा इसका एच स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पर क्या किया, जल्दी से ये अल्फा का मान जो माना हुआ है इसको आगे भी याद रखेंगे, ये आपने अपनी तरफ से माना हुआ इसको आपने यहाँ रख दिया, और क्या माना हुआ, वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स। क्लियर? अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये वाला पद सब कैंसिल हो रहे हैं, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, एच स्क्वायर से, यहाँ तक वाई स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एच क्रॉस से एक एच क्रॉस कैंसिल हो गई, एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ ओमेगा यहाँ पड़ा रहेगा, ऊपर दो ई रह जाएगा और नीचे एच क्रॉस ओमेगा रह जाएगा। ये आपके सामने आने वाला है, आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने आ ही गया, एच क्रॉस ओमेगा और ये माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला, इसको नया चीज मानना है, ये क्या माना, 2e अपन h क्रॉस ओमेगा इसको मान लेते हैं, नेतांग लैम्डा है, लैम्डा माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या माना हुआ है, ध्यान रखोगे ट्वाइस e अपन h क्रॉस ओमेगा। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हो कि समीकरण नंबर एक इसको नाम दे रहे हैं कि यानी श्रोडिंगर समीकरण को जो आपने v का मान रखने के पश्चात जो प्राप्त हुआ वह समीकरण एक के रूप में आ चुका है। अब इसमें जो तरंग फलन जो साई है, ये तरंग फलन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, जैसे कि कई बार बात हो चुकी है, एकल मानी, कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ये इसके लिए शर्तें होती हैं, और एक्स बराबर अनंत पर साई का मान क्या होना चाहिए, जीरो। ये सब चीज़ें हैं जो कि साई तभी संतुष्ट होगा, तभी किसी वास्तविक मान देगा किसी भी निकाय के लिए, जब तरंग फलन साई उस निकाय के लिए इन वैल्यूज को मानता हो, संतुष्ट होता हो, इन वैल्यूज का पालन करता हो। तो इन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर इसका मान इतना होना चाहिए। तो जब ये सब चीज यूज करते हैं तो इसमें जो लैम्डा है, इस लैम्डा की जो वैल्यू है ये बहुत ही नगण्य प्राप्त होती है, इसलिए इसको एक बार छोड़ दिया है। तो क्या ले लिया, माइनस वाई स्क्वायर साइज इक्वल टू जीरो। और वाई के वृहद मानों के लिए, जब वाई के मान बहुत ज़्यादा हो उस वक्त जब सॉल्व करते हैं तो साई का मान अपन ये लेके चलते हैं, माना साई बराबर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे दो, एच हर्माइट फंक्शन है, और इसको अगर लेके चलेंगे तो इसका जो हल अपने को सही मार्के का प्राप्त होता है, जब इसको अपन जब इस समय अगर ये माने ये इसका हल है, इसको यहाँ रखें तो आपको इस तरीके का हर्माइट इक्वेशन प्राप्त होता है जो आपने सेकंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा था। यह हर्माइट इक्वेशन प्राप्त होता है, और इस हर्माइट इक्वेशन में लैम्डा की जो वैल्यूज होती हैं वो 2n प्लस 1 प्राप्त होंगी, n का मान 0 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। तो लैम्डा के मान 2n प्लस 1 होते हैं, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड मान, तो लैम्डा का जो मान है वो 2e अपन h क्रॉस ओमेगा माना हुआ है, इसको यहाँ रख देंगे 2e अपन h क्रॉस ओमेगा, 2n प्लस 1 e का जो मान है वो आपको 2n प्लस 1 h क्रॉस ओमेगा बटे 2 प्राप्त होगा, और इस 2 का भाग लगा दोगे तो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा आपको प्राप्त होगा। n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा का मतलब ये होता है कि ये इसकी ऊर्जा प्राप्त होती है, और इससे भी सबसे रिमार्केबल बात जो है, अब तक जो ऊर्जा प्राप्त होती थी वो एन एच क्रॉस ओमेगा होती थी, इसमें हाफ अतिरिक्त रूप से आ रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स की धारणा को यूज कर किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा में हाफ जो है, आधा का जो मान है अतिरिक्त रूप से आता है, क्लासिकल में ये मान नहीं आता है। तो ये हाफ अतिरिक्त आ रहा है, ये इसकी ऊर्जा का यानी आइगन, इसकी एन वी ऑर्बिट की आइगन वैल्यू ये हो गई, ये चीज निकाल ली अपन ने। अब n बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो 0 रखते ही हाफ एच क्रॉस मान आ जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में e का मान कितना होता है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि ये n बराबर 0 के लिए है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, शून्य बिंदु ऊर्जा, यानी यह जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है। तो इसमें प्रश्न यहां तक पूछते हैं, यहाँ तक ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इसमें दो ही प्रश्न बनते हैं, एक इससे पहले मैंने जो कराया था वो, यानी परिमित गहराई का स्क्वायर पोटेंशियल में परिबद्ध कण उसको पूछते हैं, और दूसरा ये आपके सामने है। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न एग्जाम में आता रहता है,
तो आप या तो उसको तैयार करें या इसको तैयार करें, दोनों में से एक तैयार कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये आज तक निकाल, ये यहाँ तक प्राप्त की है आपने कि इसकी जो आइगन वैल्यू है वो ये है। अब आप जो प्राप्त करने जा रहे हैं वो ये है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो प्राप्त करेंगे वो आइगन फंक्शन निकालेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के आइगन फंक्शंस कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक आप इसको तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।